रामलीला के वार्षिक उत्सव की 135वीं कमेटी हुई गठित। कस्बा शेरगढ़ में सर्व समाज के तत्वाधान में रामलीला कमेटी हुई गठित। जनपद मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में मेन बाजार रामलीला मैदान में रामलीला के आयोजन के लिए 134 वर्षों से चली आ रही परंपराओं के अनुसार मंगलवार को सर्व समाज की बैठक कर 135वें वर्ष बाबा नगरी दास की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सर्व समाज के सामने पूर्व कमेटी कोषाध्यक्ष अखिलेश गर्ग ने अपना पिछले वर्ष का पूरा लेखा जोखा सभी को बताया। उनके लेखा जोखा के देख रेख कर सर्व समाज खुशी हुई और फिर दोबारा से सर्वसम्मति से पुरानी ही कमेटी को राम जी की सेवा करने का कार्य सौंप दिया। सर, आज जो ये बैठक हुई है उसके बारे में बताएं जरा, क्या हुआ? आज हमारे कस्बा शेरगढ़ में जो हमारे बुजुर्गों के ज़माने से रामलीला का महोत्सव चला आ रहा है, 135 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, उसकी 135वीं ये मीटिंग हुई है। उसमें भगवान राम की मर्यादा का चरित्रण रामलीला के माध्यम से होता है। इसमें हमारी स्थानीय कस्बे की कमेटी रहती है, इसी में पदाधिकारी रहते हैं और बस्ती के सहयोग से ये भव्य मेला बनाया जाता है। इसमें तमाम बीच बीच में झांकियां निकलती हैं। दशहरा का लक्खी मेला यहाँ पर लगता है, उसके बारे में आज ये पुरानी रामलीला मैदान का स्थान है, यहाँ पर पूरा बाजार और क्षेत्र जुड़ करके अपने विचार रखे। पिछला लेखा जोखा पढ़ के सुनाया गया और उसमें लेखे जोखे में जो हमारी पुरानी कारिणी थी, उन्होंने अच्छा काम करके और भव्य मेला बना करके समाज को दिखाया। समाज ने पुनः उनको ही इस कमेटी में चयन कर दिया है और वह आगे की लीला भी उन्हीं पात्रों के द्वारा, उन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा कस्बा शेरगढ़ की रामलीला इन्हीं के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। ज़्यादातर स्थानीय बच्चे यहाँ खेलते हैं, किसी कारणवश कोई बात होगी तब मजबूरी में बाहर की पार्टियाँ लाई जाती हैं, नहीं स्थानीय बच्चे में इतनी रोचकता और भव्य मेला बनता है जिसका वर्णन हमारे मथुरा जिले में नहीं हो सकता। नाम है भैया आपका? अखिलेश गर्ग। भैया, आज जो यहाँ मीटिंग हुई है उसके बारे में बताएं जरा। आज रामलीला की वर्ष 2018-19 के जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसके द्वारा जो आय व्यय का विवरण दिया गया एवं नई कार्यकारिणी के गठन के लिए एक सभा बुलाई गई पुरानी रामलीला मैदान पर, जिसमें कि कोषाध्यक्ष द्वारा आय व्यय का ब्यौरा दिया गया जो कि सर्वसम्मति से पास किया गया एवं नई कार्यकारिणी के गठन का प्रचार किया गया और पूरे समाज ने एकत्रित होकर एक आवाज में पुरानी कार्यकारिणी को ही आगे के कार्य को संभालने के लिए उनको ही कार्यभार सौंपा। ये हमारे लिए परम हर्ष का विषय है, परम कृपा है राम जी की कि हमें ही ये कार्य आगे के लिए प्राप्त हुआ। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं पूरी हमारी सरदारी का और हम राम जी के चरणों में वंदन करते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान दें कि जिससे कि हम जो हमें जिम्मेदारी समाज ने सौंपी है उसको हम यथासम जैसे करते आए वैसे आगे निभाते रहें। कमेटी में कौन अध्यक्ष, कौन क्या क्या हो चुना? इस कार्यकारिणी में हमारे अध्यक्ष पद पर श्री मेघश्याम तिवारी निवासी आदमपुर एवं उपाध्यक्ष पद पर श्री फूलचंद बंसल एवं प्रबंधक पद पर श्री कन्हैयालाल जी गुर्जर एवं उप प्रबंधक पद पर श्री सोनू बंसल एवं कोषाध्यक्ष पद पर श्री अखिलेश गर्ग एवं उप कोषाध्यक्ष श्री राकेश गोयल एवं सह प्रबंधक श्री अनिल तिवारी को चुना गया है।